हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेक्चर 12 कंप्लीट करने के बाद, फोटो हेलुसिनेशन कंप्लीट करने के बाद बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? एमसीपी है ना, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड मोनोब्रोमो प्रोडक्ट एमबीपी की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सिलेक्टिविटी, प्रोबेबिलिटी, ये सारे रूल्स की बात करेंगे। रिएक्टिविटी का रेशियो क्या है क्लोरिनेशन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, एंड ब्रोमिनेशन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, और उसमें वो जो रिएक्टिविटी का वैल्यू है वो कैसे आया और किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, मस्त ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस क्लास, दिस क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेन पेपर कॉपी लेकर बैठें और एकदम कूल माइंड से लेक्चर को अटेंड करें और इन्जॉय करें। तो सबसे पहले बेटे हम लोग बात करते हैं किसकी? JDG सेक्शन की। देखते हैं किस सेशन में हम लोग बेटे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेटा क्लोरीनेशन ऑफ एल्किन की, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्किन, याद है ना बेटे? ठीक है, देन फिर आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे, और यहाँ पर मैंने एंड किया था। कहाँ पर एंड किया था? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीपी। मैंने बोला था कि ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, एक बार जस्ट क्विक रिविजन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एमसीपी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की, देन क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है ना, उसकी बात करेंगे, देन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीपी है ना। हम लोगों ने देखो बेटा फ्लोरिनेशन कर लिया था, आयोडिनेशन कर लिया था, क्लोरिनेशन कर लिया था, ब्रोमिनेशन नहीं किया था, वो हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। और यहीं पर बात करेंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, राइट, देन क्वेश्चंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही गर्दा चीज़ आपके सामने होगा, इसका मैं कंटेंट, सुपर कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। आप देखिएगा इसके नोट्स जो भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, आप वहाँ से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। सो गूगल मतलब वहाँ गूगल ड्राइव लिंक होगा आपके पास, वहाँ से आप कर सकते हो। सो इस डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी फॉर एनसीपी एंड एमबीपी, एक्चुअली में कैसे सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट डिटेल है वो क्या है, उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसकी वैल्यूज कैसे आती हैं, वो सारा कैलकुलेशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देन फाइनली ये क्वेश्चंस ऑन क्लोरीनेशन हम लोग बात करेंगे। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा अब बात करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ एल्किन। ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी, जस्ट एक बार देखें, जस्ट इसका कुछ मीनिंग होता है मैंने बताया था। RDS इसका कैसा होता है? एक्जो होता है ना, बट इट इज़ नॉन सिलेक्टिव। मैंने बताया था कि इसको जहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, डिफरेंट वहाँ वहाँ जाके मुंह मारेगा और वहाँ वहाँ जाके ये क्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि देखो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, मैंने बताया था आपको, तो इनमें से कहीं एक जगह जाएगा और यहाँ पर जाएगा ये, तो यहाँ से एक H निकालेगा, Cl लग जाएगा, देखिए आ गया, यहाँ से एक H निकालेगा, Cl लग जाएगा, देखिए आ गया। तो दो तरह के बनाता है इसने। अब बात ये आती है कि बनाया गया दोनों तरह के, और ये दोनों क्यों बनाता है, इसका रीजन भी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि नॉन सिलेक्टिव क्यों है। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तब भी प्रोसेस एक्जो होता है, जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तब भी प्रोसेस आपका एक्जो होता है, राइट बेटे? क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर बेटा CCl बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज है ना मोर स्टेबल बॉन्ड, मोर स्टेबल, एंड दिस इज लेस स्टेबल बॉन्ड, लेस स्टेबल बॉन्ड। तो दोनों में एक जो होता है, दोनों प्रोसेस फिजिबल होती है, बट हमने कहा था कि भाई इनका जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग हो सकता है, इनका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना यील्ड इसका हुआ, कितना यील्ड इसका हुआ, ये अलग अलग हो सकता है, बट फिर ये प्रोडक्ट दोनों बनाएगा। सो ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री कैन बी सब्सटीट्यूटेड, दैट्स वाई नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि हर जगह मुंह मारता है, इसलिए बेटा इसका सिलेक्टिव नेचर ही नहीं हुआ, ये तो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, जहाँ देखो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग मिले वहाँ से मिल लेता है सबसे ये। सो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वाई नॉन सिलेक्टिव, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, ये लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, एक बार जस्ट क्विक रिविजन दे रहा हूँ सो दैट कि आप ब्रोमिनेशन को अच्छे से समझ पाएं। देन अब CH3CH2Cl, अब बेटा यहाँ पर देखो क्या ये 1 डिग्री था और ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, इसका मतलब दो जगह पे डिफरेंट पोजीशन इसको मिली, एक यहाँ से H निकालेगा Cl लगा देगा और एक यहाँ से H निकालेगा Cl लगा देगा, लगा दिया। सबसे पहले देखो फटाफट तेजी से करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूटेगा, Cl रेडिकल आएगा। जैसे Cl रेडिकल आएगा यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री वाला था बेटा, ये 2 डिग्री वाला, दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो CH बॉन्ड है बेटे, CH, ये CH बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, राइट, और Cl यहाँ पर है ना, CH बॉन्ड जैसे ही टूटा तो यहाँ पर देखो चाहे आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो CH बॉन्ड टूट रहा है बेटे, और देखो HCl बॉन्ड बन रहा है, देख लो बेटे यहाँ पर CH टूट रहा है, HCl बन रहा है, यहाँ पर HCl बन रहा है कि नहीं, तो देखो आप यहाँ पर HCl बॉन्ड बेटा, HCl बॉन्ड मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये CH बॉन्ड है आपका, जिसे CH बॉन्ड, अब जरा देखिए गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, CH बॉन्ड टूटा, यहाँ पर देखो बेटा HCl बॉन्ड बना, दिस इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बात है एक जो होगा। सिमिलरली जब 2 डिग्री की बात करें तो यह वाला यहाँ से टूटेगा और देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा बेटे। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो HCl निकल रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या HCl बॉन्ड है,
यहाँ पर कौन सा टूटा बेटा, देखो सी एच बॉन्ड टूटा, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, लिस्ट स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है, प्रोसेस एक्टोथर्मिक होगी, फिजिबल होगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन, ये भी रेडिकल बनाएगा, ये भी रेडिकल बनाएगा, नो डाउट दोनों का परसेंटेज अलग अलग होगा, बट बनाएगा दोनों ये। मोर स्टेबल मोर बॉन्ड एनर्जी एच सी एल का है, मोर स्टेबल मोर बॉन्ड एनर्जी एच सी एल का है, किसके रेस्पेक्ट में, सी एच के रेस्पेक्ट में, यहाँ से सी एच के रेस्पेक्ट में, यहाँ से। ओके, देन इसके बाद सी एल अटैक कर गया, देखो यहाँ पे सी एल अटैक कर गया, यहाँ पे ये बना दिया, सी एल अटैक कर गया यहाँ पर ये बना दिया, राइट। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों बन रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन सिलेक्टिव, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन सिलेक्टिव। ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या मिला, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केनी, मैं तेजी से क्यों बता रहा हूँ समझ रहे हो ना, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो वेदर वी रिमूव एच फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, इन बोथ केसेस प्रोडक्ट फॉर्म इज मोर स्टेबल, एच सी एल दोनों केसेस में बन रहा है, एंड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सो सी एल फ्री रेडिकल कैन अटैक एनी डिग्री ऑफ कार्बन टू रिमूव एच सी एल, आपने देखा, एंड इन ईच केस एच सी एल विल बी मोर स्टेबल, एक जो होगा एनर्जी विल बी रिलीज, एक जो एनर्जी। सो क्लोरिनेशन इज नॉन सिलेक्टिव, इसलिए चूंकि हर जगह पर अटैक किया इसलिए जो क्लोरिनेशन है बेटा दैट इज नॉन सिलेक्टिव। ओके, चलिए बात भी समझ में आ जाती है। व्हेन सी एल रेडिकल अटैक ऑन 1 डिग्री वी गेट 1 डिग्री फ्री रेडिकल, मिला आपको, जब ये 2 डिग्री पर अटैक करता है तो हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। सो अब चूंकि इनकी और इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है, ये मोर स्टेबल है ये लेस स्टेबल, तो इसके बेसिस पर जो परसेंटेज होगा वो अलग अलग होगा। सो परसेंटेज क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, तो इनका जो परसेंटेज होगा दैट कैन बी डिफरेंट, दैट कैन बी डिफरेंट, वही तो कैलकुलेट करने वाले हैं आज की क्लास में और सिखाने वाले हैं रिएक्टिविटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखो क्या है, सो बट क्लोरिनेशन इज नॉन सिलेक्टिव, बता दिया, कैन अटैक एनी डिग्री ऑफ कार्बन बिकॉज ऑल आर एक्सो, मोस्ट स्टेबल एक्सएल इज फॉर्मड, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरेट, तो हम मोनोक्लोरिनेटेड का परसेंटेज वगैरह फाइंड कर सकते हैं बेटे। और यहीं पर देखो हमने बताया क्लोरिनेशन फॉलो प्रोबेबिलिटी एज वेल एज सिलेक्टिव रूल, जो क्लोरिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी रूल को भी फॉलो करता है और सिलेक्टिव रूल को भी फॉलो करता है, ये दोनों रूल क्या है अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बट ब्रोमिनेशन फॉलो ओनली सिलेक्टिव रूल, अभी हम ब्रोमिनेशन करेंगे तब वहाँ पर आपको और डिटेल में बताएंगे, है ना, सच दैट स्टेबल फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन अलग चीज होगी, क्लोरिनेशन आपकी अलग चीज होगी। प्रोबेबिलिटी रूल बेटा क्या होता है, अटैक किसका, सीएल रेडिकल, जैसे आप सीएल की बात करो तो अटैक सीएल रेडिकल एट ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्लेसेस, मतलब 1 डिग्री में भी कर सकता है, 2 डिग्री में भी, 3, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी का मतलब इसके नाम से ही समझ जाओ कि प्रोबेबिलिटी रूल क्या है बेटा, कि जहां जहां पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहां जहां पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्रोबेबिलिटी में तो हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की ही तो बात करते हैं ना बेटे। तो जैसा कि 1 डिग्री में मुंह मारता है, 2 डिग्री में मारता है, 3 डिग्री में मारता है, इसका मतलब क्लोरिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, कहीं भी अटैक करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट उसको अगर प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं तो। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अटैक एट पर्टिकुलर प्लेस, सिलेक्टिव रूल का मतलब कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही अटैक करेगा, हर जगह मुंह नहीं मारेगा। तो ये अब प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव का मतलब समझ गए हो, अब इसको और डिटेल में आगे भी हम देख लेंगे। सो क्लोरिनेशन फॉलो प्रोबेबिलिटी एज वेल एज सिलेक्टिव, तो ये प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी मारता है, और सिलेक्टिव इसलिए इसको बोला गया क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा बेटे, है ना, किसी का परसेंटेज काफ़ी कम हो सकता है, किसी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव नेचर आने की वजह से, है ना, यील्ड आपका कम ज़्यादा होगा। तो सिलेक्टिव एज वेल एज प्रोबेबिलिटी दोनों फॉलो करता है, बट ब्रोमिनेशन जो होता है, ब्रोमिनेशन बेटे वो केवल और केवल सिलेक्टिव रूल को फॉलो करता है, यानी कि वो ऐसी जगह पर अटैक मारेगा जहाँ पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, है ना, क्यों होगा, रीजन आपको बताएंगे अभी। तो आई होप बेटा, आई थिंक कि आप प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव रूल तो समझ गए होंगे, प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव रूल तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था, अगर आप याद करो तो लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था, इसके जस्ट पहले हमने आपको देखो ये सारी चीज़ें कुछ मिनट में ही हमने आपको रिवाइज करा दिया बेटे, कुछ मिनट में हमने आपको रिवाइज भी करा दिया, सो दैट कि आप एकदम फ्लो में आ जाएं और चीज़ों को समझ सकें। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटे कि L12 इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें, L13 उसी पहले वाले लेक्चर पर पूरा का पूरा बेस्ड है ना, तो सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, फ्लोरिनेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन क्या होता है, आयोडिनेशन क्या होता है, राइट। और यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन की बात कर लेंगे, और उसके बाद फिर दोनों के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, दोनों की रिएक्टिविटी की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके बेटा, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले। गट 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 जिप बात है ना। चलिए अब एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर उसको समझेंगे भी बढ़िया से, बट इसको पहले आपको ध्यान से देखना है। देखिए रिएक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, आपने देखा था बेटा कि जब हम क्लोरिनेशन की बात करें तो 1 डिग्री पर भी क्लोरीन रेडिकल अटैक कर रहा था, 2 डिग्री हाइड्रोजन पर भी अटैक कर रहा था, 3 डिग्री पर अटैक कर रहा था। अब जैसे मैंने कहा था कि यील्ड भी अलग अलग हो सकती है, अब यहाँ से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जब क्लोरीन रेडिकल 1 डिग्री हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो लेट उसका रेशियो, जो प्रोडक्ट बना उसका रेशियो सपोज 1 है, अगर 2 डिग्री पर करता है तो उसका रेशियो 3.8 हो जाता है, मतलब समझ रहे हो कि 2 डिग्री पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यील्ड ज़्यादा होगा।
और अगर 3 डिग्री की बात करें तो 4.5 या 5, जनरली हम 5 यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं पर 4.5 भी। तो अगर मेंशन नहीं है तो बेटा आप ये वाला डेटा यूज कर सकते हो, और कभी कभी क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का वैल्यू भी दिया रहता है तो आप उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हो। अगर इफ़ नॉट मेंशन यू कैन यूज़ दिस वन, रेड वाला, ठीक है, ओके। अब अगर डिफरेंस चाहो तो आप यहीं से देख लो, जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ब्रोमिनेशन, अगर 1 डिग्री पर आप बात करो, है ना, जैसे आपने 1 डिग्री फिर रेड कलर ये लिया, यहाँ पर आपका सपोज ये आपका 2 डिग्री फिर रेडिकल है, राइट, और काम करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आपका ये आपका 3 डिग्री फिर रेडिकल है। अब जरा देखिएगा, 1 डिग्री फिर रेडिकल है तो सी ब्रोमीन जो अटैक कर रहा है अगर यहाँ पे, तो अगर वो 1 है उसका रेशियो, तो ब्रोमीन बेटे अगर 2 डिग्री पे अटैक करेगा तो उसका रेशियो 80 या 82 होगा। मैक्सिमम केसेस में 80 यूज़ करते हैं, कुछ गिवन नहीं है तब यूज़ करें। और अगर 3 डिग्री है तो बेटा जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये डेटा आप देख रहे हो, ये जो डेटा देख रहे हो अपना रिएक्टिविटी यहाँ पे, बेटा आप बताओ अगर 1 डिग्री है तो 1 है, और अगर 3 डिग्री है तो 1600 है। 1 डिग्री है तो 1 है, और अगर 2 डिग्री है तो 80 है, मतलब 80 टाइम्स, 1600 टाइम्स है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 डिग्री रिस्पेक्ट में, मतलब समझ रहे हो बेटा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ब्रोमिनेशन है दैट इज मोर सिलेक्टिव, या फिर ये सिलेक्टिव रूल फॉर सिलेक्टिविटी का रूल फॉलो करता है, दिस इज मोर सिलेक्टिव एंड दिस इज नॉन सिलेक्टिव। क्यों बोलते हैं इसको नॉन सिलेक्टिव, भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर ये 1 है तो 3.8 टाइम्स है, और ये 4.5 या 5 टाइम्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप ब्रोमिनेशन में देखो तो बेटा रिएक्टिविटी का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए डिफरेंस आप देख रहे हो, इसका 1 है इसका 80 टाइम्स हो गया, इसका 1600 टाइम्स हो गया। इसलिए बोलते हैं बेटा कि ये प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव दोनों रूल फॉलो करता है, एंड इट फॉलो ओनली सिलेक्टिविटी रूल। अब आपको कहानी समझ में आई ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर ये वैल्यूज कैसे कैसे आती हैं, तो बेटा ये वैल्यूज भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 डिग्री क्लोरीनेशन के लिए या ब्रोमिनेशन के लिए, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए ये वैल्यूज भी कैसे आती हैं, इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। अरिनियस कॉन्स्टेंट के इक्व टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, है ना, यहाँ पर ए और आर इन सब का वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी भी निकाल देते हैं। रेट का ऑर्डर आएगा, जो रेट का ऑर्डर आएगा, रेशियो आएगा, जो रेट कॉन्सेंट का रेशियो आएगा वही उसका रिएक्टिविटी का रेशियो आ जाता है एक्चुअली में, है ना, थोड़ा सा काइनेटिक से रिलेट करके हमें बनाना होता है। एक्टिवेशन हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ वगैरह जो है ये इस तरह के या इस तरह के जो है यूज़ करने होते हैं, वहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बताओ बेटा, तो अब एक चीज़ आपको समझ में आई बेटा, क्या ये डेटा कैसे आया वो तो मैंने बताया कि आपको बता दूंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आप एक चीज़ तो समझ गए हो कि क्लोरीनेशन जो है नॉन सिलेक्टिव क्यों है, और ये प्रोबेबिलिटी रूल है फॉलो क्यों करता है, क्योंकि कहीं पर भी डिफरेंट डिफरेंट जगह अटैक कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बट रिएक्टिविटी इज मच मोर सिलेक्टिव, सिलेक्टिविटी रूल फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी रूल ये फॉलो नहीं करता कि कहीं भी मुंह मार दे। देख लो यहाँ पे अगर मुंह मारे तो 1 है, यहाँ पर मारे तो 16 रख, तो बताओ कहाँ पर मुंह मारेगा, यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर इसका रेट या रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, तो इसको अगर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मिल रहा है तो वहाँ पर इसका रिएक्टिविटी या इसका रिएक्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डेटा आपने देखा, ओके, आगे दिखाते हैं आपको। तो हेलुसिनेशन ऑफ एल्केन में 2 तरह के रूल फॉलो करते हैं हम लोग, सिलेक्टिव रूल और प्रोबेबिलिटी रूल, अभी मैंने आपको पता है। अटैक एट ए पर्टिकुलर प्लेस, ये भी बता दिया। अटैक एट ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्लेसेस। क्लोरीनेशन फॉलो सिलेक्टिव एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, आपको बता चुका हूँ। ब्रोमिनेशन फॉलोज ओनली सिलेक्टिव रूल, अभी मैंने बोला आपको। इनकेस ऑफ ब्रोमिनेशन स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म, यहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल ही बनता है, और आप देख रहे हो कि 1:80:1600 का डिफरेंस था, तो भैया जो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर इन दोनों की बात करें तो ये बनेगा, इन दोनों की बात करें तो ये बनेगा, इन दोनों की बात करें तो ये बनेगा, समझ रहे हो, ओके। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन के डिग्री का पर बेस्ड, अगर क्लोरीनेशन है तो 1 डिग्री के लिए 1 है, 2 डिग्री के लिए 3.8 है, और 3 डिग्री के लिए यहाँ पर 5 लेगा, 4.5 भी हो सकता है, एंड दिस ऑल आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। अगर नहीं की बना तो आप ये डेटा यूज़ करो। और अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, ब्रोमिनेशन, ये अभी हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, क्लोरीनेशन की, तो 1 डिग्री के लिए 1 होता है, 2 डिग्री के लिए 80 होता है, 3 डिग्री के लिए आपका 1600 होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर डेटा नहीं गिवन है यू कैन यूज़ दिस डेटा, और अगर गिवन है कुछ और दिया हुआ है तो आप वो यूज़ कर लेते हो, आप वो यूज कर सकते हो बेटे। बताओ बेटा कहानी यहाँ तक समझ में आई क्या, कहानी यहाँ तक समझ में आई क्या। तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम R1 बोल सकते हैं, 2 डिग्री के लिए इसको R2 बोल सकते हैं, 3 डिग्री के लिए R3 बोल सकते हैं, इसको 1 डिग्री के लिए R1 बोल सकते हैं, 2 डिग्री के लिए इसको R2 बोल सकते हैं, 3 डिग्री के लिए इसको हम R3 बोल सकते हैं, राइट, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, कौन से डिग्री वाले हाइड्रोजन, कि 1 डिग्री है ना, या 2 डिग्री या 3 डिग्री, ओके, चलिए सब समझेंगे, थोड़ा सा आप देखते जाओ बस। सो 2 फैक्टर्स विच विल डिसाइड द परसेंटेज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, और उनके बेसिस पे जो रिएक्टिविटी होगा कुछ ये होगा। जैसे कि अगर 1 डिग्री एन, 1 डिग्री का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन, एन 2 डिग्री एच का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 2 डिग्री कार्बन, एन 3 डिग्री एच का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 3 डिग्री कार्बन। रिएक्टिविटी रेशियो अगर हम बात करें क्लोरीनेशन प्रोडक्ट की, तो आपको अभी बताया था 1, 3.8, 4.5 और 5। जनरली हम इसकी बात करते हैं, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, हम क्या कर सकते हैं बेटा, परसेंटेज की बात कर सकते हैं, रिलेटिविटी
या रिएक्टिविटी ऑफ एमसीपी मोनोक्रोटिक प्रोब। देखिए कैसे, अब जरा फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कैसे। अगर हम परसेंटेज ऑफ वन डिग्री की बात करें, सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ वन डिग्री इनटू नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन। सो अगर हमें परसेंटेज ऑफ वन डिग्री एमसीपी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट निकालना है या मोनोब्रोमो प्रोडक्ट निकालना है, तो रिएक्टिविटी ऑफ वन डिग्री इनटू नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ वन डिग्री इनटू नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ टू डिग्री इनटू नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ थ्री डिग्री इनटू नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन इनटू 100। मतलब इसको आप नीचे वाले को कह सकते हो समेशन ऑफ आर एन, आर आई एन आई, मतलब वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री सभी का समेशन, मल्टीप्लीकेशन का सभी का समेशन इनटू 100। सिमिलरली टू डिग्री अगर है तो यहाँ पर टू डिग्री ले लो, सो रिएक्टिविटी ऑफ टू डिग्री इनटू नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन, नीचे सभी तीनों का समेशन, तीनों का है ना, तो रिएक्टिविटी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मल्टीप्लीकेशन वन डिग्री के लिए, टू डिग्री के लिए, थ्री डिग्री के लिए, उनका फिर समेशन इनटू 100। सिमिलरली फॉर थ्री डिग्री आर थ्री इंटू टू डिग्री नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर आई एन आई एच इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला अब रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है। अगर हम क्लोरिनेशन की बात करेंगे तो बेटा कितना था, 1:3.8:5 था फॉर वन डिग्री, और थर्ड डिग्री यहाँ पर 4.5 भी, बट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो 1:80 और 82, जनरली हम 80 यूज़ करते हैं, 1:1600। ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा, ये आपका R3 होगा, इसमें ये R1 होगा, ये आपका R2 होगा, और ये आपका R3 होगा, समझ रहे हो ना यहाँ से। और नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन या टू डिग्री हाइड्रोजन या थ्री डिग्री हाइड्रोजन हम कंपाउंड को देख कर कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बेसिस पर हम परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वन डिग्री कितना बनेगा, परसेंटेज ऑफ टू डिग्री कितना बनेगा, परसेंटेज ऑफ थ्री डिग्री। अभी तो जस्ट फॉर्मूला बताया, इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको सब एकदम माइंड में सेट हो जाएगा बेटे, सारा का सारा चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अब इसी पर बेस्ड हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा दें, सो दैट कि ये सारी चीज़ आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए हमेशा हमेशा के लिए बेटे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा किसकी हम लोग, है ना, क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीपी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, बोलो बेटा, राइट। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक एक करके, चुन चुन के, समझ समझ के करेंगे बेटे, उसके बाद फिर ये जो वैल्यूज हैं कैसे आई क्या नहीं आई वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, राइट। तो अब एकदम जितना भी मैंने बताया बेटा, आप चाहो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो, एक बार जितना लेक्चर मैंने समझाया है एक बार 5 मिनट में उसको फटाक से रिवाइज कर डालो, फटाक से रिवाइज कर डालो, है ना, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, राइट, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आपको अभी बताए, उन सबको एक बार माइंड में सेट करो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के साथ आप इंजॉय करो, ओके। चलिए मस्त इंजॉय करते हैं बेटे। देखिए जैसे कि मैंने क्लोरीनेशन के लिए बेटा आपको बताया था कि 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी 1 होता है, 2 डिग्री के लिए 3.8 होता है, 3 डिग्री के लिए आपका 5 होता है, ठीक है बेटे, ओके। क्या हम इसको बेटा R1 बोल दें फॉर 1 डिग्री, R2 फॉर 2 डिग्री, R3 फॉर 3 डिग्री, ठीक है, इनका रेशियो आपका ये दिया हुआ है, दिस इज रेशियो। तो अगर आप इसको चाहो तो ये कांस्टेंट टर्म के साथ ले सकते हो, ऐसे जेट लिख लो यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, सो रेशियो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। कैसे करना है आप जरा देखो बेटा ध्यान से, एकदम डायरेक्ट करेंगे फटाक से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप देखें क्लोरीनेशन की बात करें बेटा इस कंपाउंड का, तो यहाँ पर ये देखो आपका 1 डिग्री है ना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे, आराम से, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसके पास अगर टोटल, तो ये जो हाइड्रोजन है बेटे ये 1 डिग्री है, ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, तो अगर यहाँ पर टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें बेटे, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, कितने 6 है, ओके। ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें बेटा, सो एन 2 डिग्री हाइड्रोजन विल बी 2, ओके। चल रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री कितना है बेटे, हाइड्रोजन इज 1 जेड बोल सकते हो, एंड रिएक्टिविटी फॉर 2 डिग्री हाइड्रोजन, वैसे आप 1 ही लिखो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा रेशियो ना बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 2 डिग्री इज 3.8, ओके। चलो अच्छा प्रोडक्ट आप बना लोगे बेटा, सबसे पहले फटाक से कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, सिमेट्रिकल है बेटे, तो हमने इन दोनों में से इसको सिलेक्ट कर लिया, ये 1 डिग्री के लिए हो गया और बेटा ये आपका 2 डिग्री के लिए हो गया, तो एक तो सीएल बेटे यहाँ आ जाएगा, ये तो ये 1 डिग्री वाला हो गया है ना, यहाँ पर लिख दे 1 डिग्री के लिए है ये, सॉरी ये 2 डिग्री के लिए था ना, देखो सीएल अगर यहाँ पर आएगा ना बेटे तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी एक ही बात है ना, तो ये आपका 2 डिग्री, ये 1 डिग्री वाला हो गया ना, एंड देखो यहाँ पर बीच में आया ना बेटे यहाँ पर, ये देखो तो ये आपका 2 डिग्री के लिए हो गया। नाउ फॉर्मूला हमारा क्या था, देखो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना, फॉर्मूला हमारा क्या था जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें 1 डिग्री के लिए निकालना है तो परसेंटेज का 1 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 डिग्री का रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री का रिएक्टिविटी बेटा कितना है 1, देखिएगा ध्यान से 1,
नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कितने टोटल, सिक्स है, सिक्स है टोटल, एक ही टाइप के, एक ही टाइप के वन डिग्री कितने हैं, सिक्स, एक ही टाइप के, देखो ना ये बिल्कुल एक्जैक्टली एक टाइप के हैं। ये भी हो सकता है कम और के अंदर वन डिग्री और हो, बट वो डिफरेंट टाइप का हो, तो बेटा फिर वो उसके लिए हम अलग बात करेंगे, पहले बात को समझो कि एक ही टाइप का है तो कितने टोटल, सिक्स है, तो सिक्स डिवाइडेड बाय, अब इसमें कितने तरह के प्रेजेंट है, वन डिग्री और टू डिग्री, तो अब सीधे फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ, नीचे था ना समेशन ऑफ आर आई एन आई, तो चलिए वन डिग्री का कितना है बेटा, वन इंटू सिक्स हो गया, प्लस टू डिग्री का कितना है बेटे बताओ, टू डिग्री का कितना है, टू डिग्री का रिएक्टिविटी कितना है, 3.8 है, 3.8 इंटू कितने हैं, टू डिग्री हाइड्रोजन टू है ना, और प्लस थ्री डिग्री का रिएक्टिविटी कितना होता है बेटा, फाइव होता है, ये तो थ्री डिग्री हाइड्रोजन है, थ्री डिग्री है नहीं, तो थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, एक बार मैं ऐसे लिखूँ, चलो यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ठीक है यहाँ पे, या फिर यहाँ लिख लो, चलो ओके यहीं पे लिखते हैं बेटे ना, तो देखो कितना होगा, इक्वल्स टू समझाते हैं, तो वन डिग्री, तो वन डिग्री बेटा कितना था, देखो वन इंटू नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन वन, सिक्स है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, क्या था फॉर्मूला, क्या था आर परसेंटेज ऑफ वन डिग्री कितना था बेटे, फॉर्मूला वन डिग्री एम सी पी या कोई सा भी, तो आपका था एन वन डिग्री एच इंटू आर वन डिग्री डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई आर आई, ये था इंटू हंड्रेड था, ओके अब चलो देखो, तो वन डिग्री हो गया, फिर नीचे वन डिग्री फिर से आएगा तो वन इंटू सिक्स, अब टू डिग्री आएगा तो टू डिग्री करेक्टिविटी कितना बेटे, देखो 3.8 है, सो 3.8 और कितने टू डिग्री है, यहाँ से देखो रिएक्टेंस से देखना, टू है, टू है, और प्लस थ्री डिग्री का कितना होता है बेटा, फाइव, फाइव इंटू थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो थ्री डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो थ्री डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जीरो होगा, सो आपका जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाय आपका वन इंटू सिक्स और नाइन पॉइंट, तो देखो आपका यहाँ पर अब इसको ऐड कर लो अगर, तो वन इंटू सिक्स है और प्लस 3.82 है बेटा, इसके बेसिस पे आप कर लोगे तो टू, अच्छा वन इंटू सिक्स और 3.82 इंटू टू होगा ना बेटे यहाँ पर, अरे क्या करते हैं जनाब आप, देखो ध्यान से, एन वन डिग्री आर वन डिग्री, सो एन वन डिग्री कितना है इसके पास है, सिक्स है, टोटल सिक्स है, आर वन डिग्री कितना है, वन है, तो वन इंटू सिक्स, फिर एन टू डिग्री आर टू डिग्री, एन टू डिग्री कितने है, टू है, उसका रिएक्टिविटी बेटा कितना है, 3.8, सो 3.8 इंटू टू करोगे ना, प्लस एन थ्री डिग्री, भैया रिएक्टिविटी ऑफ थ्री डिग्री कितना है, 3.85 है, रिएक्टिविटी ऑफ थ्री डिग्री कितना, फाइव है, सो फाइव इंटू थ्री डिग्री हाइड्रोजन बेटा है नहीं क्योंकि इसके बाद थ्री डिग्री कार्बन ही नहीं, तो ये ऐसे जीरो हो गया, सो दैट विल बी वन सिक्स डिवाइडेड बाय, ये आपका टोटल आ जाएगा 13.6, सो ये आपका नीचे आएगा 6/13.6, ये आ गया देखो आपके पास इंटू हंड्रेड। सिमिलरली अब इसकी बात कर ले बेटा, तो टू डिग्री का कितना है, अब सीधे तो टोटल तो 13.6 आ रहा है, सेम रहेगा, तो नीचे तो 13.6 आ जाएगा, इंटू हंड्रेड कर लो, इंटू हंड्रेड, समझ रहे ना बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब टू डिग्री, सो एन टू डिग्री आर टू डिग्री, सो एन टू डिग्री कितने हैं बेटे बताओ, दो हैं, इंटू आर टू डिग्री कितना होता है देखो 3.8, यहाँ से देख सकते हो, सो टू इंटू 3.8 दैट विल बी 7.6, 7.6 डिवाइड बाई, तो ये आपका यहाँ से आ गया बेटे। अच्छा अगर आप मेजर माइनर की बात करो तो मैं आपको एक चीज़ बताएं बेटा, मेजर माइनर के लिए आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है ये वाली, आप सीधे क्या करो, आप क्या करो सीधे वन डिग्री के लिए रिएक्टिविटी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई कर लो, टू डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू ज़्यादा आएगी टोटल से डिवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि टोटल से बेटा देखो यहाँ पर भी उसी डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी उसी डिवाइड करोगे, तो बेटर होगा कि आप सिर्फ ये वैल्यू देख लो, अगर आप मेजर माइनर देखना चाहते हो तो आपने देखा कि ये 7.6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो बेटा क्या बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है दोनों वन डिग्री टू डिग्री में, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉन सिलेक्टिव है, बट इसका यील्ड ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ये जो भी वैल्यू आएगा इसका ज़्यादा आएगा इसका कम आएगा, तो ये आपका मेजर होगा और ये माइनर होगा, तो देखो यहाँ से सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन, मतलब आप एन आई आर आई निकालो एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए, जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसके लिए इसका वैल्यू कम होगा वो माइनर होगा, आई होप बात समझ गए होगे, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया ये सिक्स आया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया ये 7.6 आया, राइट, और ये जो आता है समीशन वो टोटल रिएक्टिविटी होता है, तो टोटल बेटा दोनों में सेम रहेगा ना, तो कहने मतलब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, आई थिंक आपने निकालना सीख लिया। चलो अब थोड़ा सा आप काम हम फास्ट कर सकते हैं तेज़ी से, बेटा थोड़ा तेज काम करें, सबसे पहले आप देखो एक काम करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पहचानो, देखो एक ही टाइप के वन डिग्री हैं, ये एक ही टाइप के वन डिग्री हैं, सेम टाइप के वन डिग्री हैं, ये जरा सेम टाइप का मतलब समझना, और वन डिग्री हैं, अब थ्री डिग्री देखिए बेटा, तो ये वाला आपका जो है देखो ये वाला आपका कार्बन तीन से, तो ये थ्री डिग्री हो गया, टू डिग्री यहाँ पर नहीं है, तो अब बेटा आप बताओ अगर आप वन डिग्री पर सी एल का अटैक कराओगे तो ये तीनों एक ही जैसे हैं, कहीं एक जगह करा लो यहाँ पर कराओगे तो ये बन जाएगा, तो आपका वन डिग्री वाला हो जाएगा, और यहाँ पर थ्री डिग्री पर कराओगे तो ये वाला बन जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि आपका वन डिग्री वाला हो गया और ये थ्री डिग्री वाला। चलो एक काम करते हैं, एन वन डिग्री एच देखते हैं, एन टू डिग्री एच देखते हैं, एन थ्री डिग्री एच देखते हैं, राइट, एन वन डिग्री एच कितना टोटल सेम टाइप का कितना है, नाइन है, एन टू डिग्री बेटा है नहीं जीरो है, एन थ्री डिग्री बेटा कितना है, वन है, अब चौथे इसकी रिएक्टिविटी, सो आर वन डिग्री एच कितना होता है,
आर 2 डिग्री एच कितना होता है, आर ये सब आपको माइंड में रखना। मतलब देखो बहुत फास्ट क्वेश्चन, मैंने डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे देखो, राइट ओके। तो आर 1 डिग्री एच आप अगर आप देखो तो कितना, तो 1 होता है, ये आपका 3.8 होता है, और ये बेटा आपका कितना होता है, 5 होता है। ओके नाउ अब चाहो तो आप इनका प्रोडक्ट भी निकाल लो। प्रोडक्ट निकालोगे अगर आप तो और मज़ा आ जाएगी इसका। तो 9 × 1 9, 3.8 × 0 0, 5 × 1 5। तो अगर आप टोटल रिएक्टिविटी निकालना चाहो, समझ रहे हो, अभी आगे और फास्ट करेंगे, मतलब समेशन ऑफ एन आई आर आई कितना आ जाएगा, 9 + 0 + 5, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट विल बी 14। अच्छा जब आपने मल्टीप्लाई किया बेटे तो देखो यही से आपका मेजर माइनर पता चल जाएगा। इसका मतलब बता सकते हो मेजर कौन सा है बेटा, 3। मेजर आपका कौन सा इसमें बन जा रहा है, ये देखो 1 डिग्री का। आप समझे बेटा कि आप स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर, आप देख लो, आप चेक करो, आप बताओ बेटा कि यहाँ पर अगर आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करो तो भैया आपका 3 डिग्री ज़्यादा मेजर होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पर आपका जो मेजर है ये 1 डिग्री है। दिस इज, दैट्स वाई दिस इज नॉन सेलेक्टिव। अब आपको कुछ समझ में आया बेटे, दैट्स वाई दिस इज नॉन सेलेक्टिव, दैट्स वाई दिस इज नॉन सेलेक्टिव बेटे, दैट्स वाई दिस इज नॉन सेलेक्टिव। पर इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन वो आपको सिलेक्टिव मिलेगा, अभी आप एग्जाम्पल देखोगे, रीजन समझ में आया ना कि नो डाउट ये 1 डिग्री बना रहा है उसके बाद भी ये मेजर है, और ये 3 डिग्री वाला है उसके बाद भी माइनर है, जबकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है, फिर भी ये मेजर है। तो बेटा यहां से ये रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट, अब ये वैल्यूज कैसे कैसे आएंगे वो सब हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं अगर इसके परसेंटेज, 3 डिग्री का कितना मल्टीप्लीकेशन आया, 5 आया बेटा, 5 टोटल रिएक्टिविटी कितना, 14। सो 5/14 × 100 परसेंटेज आ गया आपका ये। 1 डिग्री का देख लो 9, सो 9 × 14 × 100। अब बेटा बताओ ये काम डायरेक्ट आप कर सकते हो कि नहीं, समझ में आया। अभी और अच्छे तरह एग्जांपल दिखाते हैं आपको, बहुत तगड़ा सा। अच्छा बेटा ये वाला 1, 2 और 1 डिग्री है ना, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, 6/ आपका था ना, और ये कुछ 7.6 टाइप, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आगे बात करें अगर हम, चलिए इसकी बात करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, तो 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, इसकी बात भी अभी हम कर चुके हैं। तो देखो बेटा यहाँ यहाँ पे ये कहीं पर भी एक जगह रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ से ये लग जाएगा 3 डिग्री पर, यहाँ कहीं तो ये बन जाएगा बेटे। अब यहाँ पे आप काउंट कर लो 1 डिग्री, तो यहाँ से S3 यहाँ से S3 यहाँ से S3, तो 1 डिग्री कितना था, 9 था। सो इसका 1 डिग्री का रिएक्टिविटी कितना था, 1 × 9। उसका 3 डिग्री का कितना होता बेटा, 3 डिग्री है ना देखो, 4.5 या 5 ले सकते हो, और कितना हाइड्रोजन इसके पास, 1 होगा, सो 4.5 × 1 टोटल रिएक्टिविटी आ गया, × 100 कर दिया, परसेंटेज ऑफ डी सी आ गया, समझे ना बेटे। तो ये 1 डिग्री का हो गया, ये किसका हो गया, 1 डिग्री का। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री यानी डी की बात करते हैं, तो बताओ 3 डिग्री में कितना था, 4.5 रिएक्टिविटी, और इसके पास कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, काउंट कर सकते हो, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय टोटल, तो आप निकाल ही चुके हो यहाँ से, ये आ जाएगा × 100 कर सकते हैं। ये मजा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से और गौर फरमाइएगा बेटे, ये मजा क्यों आएगी इसका रीजन आपको समझाते हैं अभी। अब देखो ये चीज़ आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर कर देगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये CH3 और ये CH3, ये दोनों 1 डिग्री हैं, और ये 3 डिग्री से भी अटैच है, 3 डिग्री से भी अटैच है, यहाँ भी ये 1 डिग्री बट ये 2 डिग्री से अटैच है। कहने का मतलब बेटे ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री बट ये दोनों सेम टाइप के हैं, बट ये 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का है, यानी कि ये जो 1 डिग्री के हैं इनका परसेंटेज अलग होगा, और ये वाला जो होगा अलग प्रोडक्ट बनाएगा, ये दोनों एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 डिग्री का ही है ये भी, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा अलग टाइप प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इसकी इसकी यील्ड अलग होगी, इसकी यील्ड अलग होगी, 2 डिग्री की यील्ड अलग होगी, 3 डिग्री की यील्ड आपकी अलग होगी। अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो मेजर आपका हायर डिग्री का ही बनता है, तो 3 डिग्री वाला यहाँ पर एच लगेगा, यहाँ पर आर लग जाएगा, इसकी बात अभी करेंगे, ब्रोमिनेशन नो प्रॉब्लम, इसका हम परसेंटेज वगैरह भी काउंट करेंगे, बट अगर आप क्लोरिनेशन कराओ तो पॉसिबल प्रोडक्ट एंड परसेंटेज क्या होंगे वो सब समझने होंगे हमको, राइट। देखिए कैसे, तो अब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का परसेंटेज अलग हो गए, सेम टाइप के हैं बेटा, देखो ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, कहने का मतलब समझो, बट बेटा यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 3 3 और 3 9 हो गया, 9 हमने वहाँ पे किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था CH3CH यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे थे, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा तीनों, चाहे यहाँ से कराओ चाहे यहाँ से कराओ चाहे यहाँ से कराओ, इसलिए हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर 9 बोल दिया था। बट इस केस में हम 1 डिग्री के 2 तरह के परसेंटेज काउंट करेंगे, कैसे, ये तो सेम टाइप के हैं, यहाँ कराओ या यहाँ कराओ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पर कराओगे तो अलग प्रोडक्ट बना देगा, कहने का मतलब आपको बेटा वन, अगर आप यहाँ पे 1 n डिग्री 1 n नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री एच लिखना चाहते हो तो आप 9 नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग,
आपको दो तरह से लिखने होंगे, पहला एक वन डिग्री एच होगा जो कितना 3 n 3 6 होगा, और दूसरा जो n डिग्री का एच होगा दैट विल बी 3 होगा, ये वाला। और इन दोनों का परसेंटेज भी हम अलग अलग काउंट करेंगे, ये तो वन डिग्री अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा इधर वाले, और ये वन डिग्री अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। कहने का मतलब अब आप बात को समझ गए हो ना कि कब काउंटिंग कहते हो, तो आप जब काउंट करते हो ना तो सेम टाइप के काउंट करने होते हैं आपको। अगर आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट दे रहा तो उसको उस काउंटिंग में नहीं लाएंगे हम, उसके लिए हम अलग से परसेंटेज निकालेंगे। चलिए और डिटेल में इस बात को समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा आप जरा ध्यान से। जब हम बात करें अगर वन डिग्री की प्रोडक्ट, अगर मैं रिएक्टेंट को यहाँ पर लिख दूँ तो अब देखिएगा बेटे क्या था, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, बट मैं इसको अलग से मार्क करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट बनाएगा। इन दोनों को हम अलग से मार्क करना चाहेंगे क्योंकि ये अलग इनका काम होगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए आप, हम यहाँ पर और यहाँ पर बात करेंगे, पहले इन दोनों की बात करेंगे, गौर फरमाइएगा जनाब। अगर हम बात करें इनकी तो टोटल कितने वन डिग्री, 6 हैं। देखिए वन डिग्री सेम टाइप के कितने, 6 हैं, बात समझ रहे हैं बेटे। सो परसेंटेज ऑफ वन डिग्री की बात करें और इनमें से कहीं भी यहाँ अटैक कराओ तो सीएल, अगर यहाँ पर कराओ तो सीएल लगे, तो कि सीएल प्रोडक्ट हमने बना लिया, बट आपको काउंट रिएक्टेंस से करने, वो भी सेम टाइप के करने, डिग्री अलग अलग करके, समझो बात को। तो ये बटा यहाँ ये आ जाता है कितने, टोटल 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ओके बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, सी आपका 6 आ गया, ठीक है। अच्छा चलो टोटल रिएक्टिविटी पहले काउंट कर लें, समेशन ऑफ एन आई आर आई कर लेते हैं, एन आई आर आई कर लेते हैं। चलिए वन डिग्री स्टार्ट करते हैं, 6 × 1 डिग्री का कितना होता है बेटे, 1 प्लस, फिर से 1 डिग्री का ये अलग है, सो 3 × 1 ऐसे कर सकते हैं क्या बेटे, प्लस 2 डिग्री पे आते हैं, अगर 2 डिग्री ये आपका है तो 2 डिग्री कितना था बेटा, 2 डिग्री का अगर आप बात करो तो कितना था, 3.8, सो 3.8 × 2 डिग्री कितने बेटा, सॉरी 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री ना बेटे आपका, तो बेटा इस तरह की चीज़ें गड़बड़ ना करें, दिस इज योर 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री है। तो अब 2 डिग्री की बात कर लें अगर हम, तो 3.8 और 2 डिग्री बेटे कितने, यहाँ पर 2 हैं × 2 प्लस 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री का जो रिएक्टिविटी बेटे था वो हमने कितना लिया था, 3 डिग्री की बात कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, है ना। तो 5 ले सकते हो, तो 5 × यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, देखो 3 डिग्री 1 है। इन सब का अगर आप समेशन लिखो, 6 और + 3 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 7.6 हाँ ये आपका आ जाएगा 21.8, दिस इज योर टोटल रिएक्टिविटी, दिस इज टोटल रिएक्टिविटी, आ रही बात बेटे समझ में, टोटल रिएक्टिविटी, दिस इज टोटल रिएक्टिविटी, ओके। चल अब स्टार्ट कर लें बेटे यहाँ से, तो देखो अब अगर हम इस इन दोनों के 1 डिग्री की प्रोडक्ट की बात करें, किसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो बेटा तो टोटल कितना, 6 था, तो 6 × 1 इसका रिएक्टिविटी, तो 6 आ गया, तो 6 / टोटल कितना बेटा, 21.6 होगा ना बेटे, देख लेना, चेक कर लेना बेटा, है ना, क्या होगा अगर 6 है तो 6 हो जाएगा, यू कैन चेक इट आउट, 6 ही होना चाहिए आई थिंक, यहाँ पर भी 6 होगा, एक बच्चे बार देख लेना, हाँ ये देखो यहाँ पर है 6 + 5 + 7.6 + 3, ये देखो यहाँ पर लिखा है, ओके चलो एनीवे आगे बात करते हैं बेटे, जी आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री डिफरेंट टाइप, अब ये वाला भी 1 डिग्री की बात कर लें, अगर हम इस वाले 1 डिग्री की बात करें, देखो तो यहाँ पर सी एल लग जाएगा, देखो लग गया बेटे, और ये कितने थे, 3 थे, तो देखो ये डिफरेंट, मतलब ये सेम टाइप का था, मतलब डिफरेंट टाइप का मतलब समझ रहे हो कि इस 1 डिग्री से डिफरेंट, ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप कहने के लिखने का मतलब ये है, ये नहीं कि ये डिफरेंट टाइप के हैं, ये इससे डिफरेंट है, इसलिए तो 1 डिग्री कितने, 3 है, सो 3 × 1, तो 3 × 1 3 × 21.6 × 100 ये लगे। तो बेटा बताओ इसका जो परसेंटेज आया 27.7 आया, इसका जो परसेंटेज आया है ना आपका 13.8 आया, आप देख रहे हो बेटे। तो यहाँ पर 1 डिग्री के दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों का यील्ड अलग अलग है, एक 13.8% है और एक 27.7% है, कहने का मतलब समझ रहे हैं बेटे, तो इनको कंबाइन नहीं कर सकते हो तीनों को, आपको सेम टाइप का ही लेके अलग अलग करके करना होगा। चलिए 1 डिग्री, अब बात करते हैं बेटा 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री यहाँ पर देखो 3 डिग्री वन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री रिएक्टिविटी 5 है, सो 5 × 5 कर देंगे, तो 5 कर दिए 5 हो गया, 5 टोटल 21.6 × 100 बन जाएगा। 2 डिग्री की बात कर ले तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 डिग्री का रिएक्टिविटी कितना 3.8, तो 7.6 हो गया, तो 7.6 × 21.6 × 100 ये आपका 35% हो गया। तो आप इस तरह से अलग अलग करके सारे परसेंटेज बेटे निकाल सकते हो, देन टोटल सभी का करोगे तो 21.6 आएगा। टोटल रिएक्टिविटी आपको मैंने पहले भी निकाल के दिखा, मेजर माइनर के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ ऊपर वाला देखना है। तो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 5 है,
राइट यहाँ पर ये 7.6 है और यहाँ पर ये 3 है, सो दिस विल बी योर मेजर। तो कौन सा मेजर आ रहा है आपका, 2 डिग्री मेजर आ रहा है बेटे, कौन सा आ रहा है, 2 डिग्री मेजर आ रहा है। जबकि तो अब यहाँ से नॉन सिलेक्टिव नेचर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन प्रोडक्ट आप बेटा समझ गए होगे ना, क्लोरीनेशन नॉन सिलेक्टिव क्यों है। और प्रोबेबिलिटी देखो, जो जो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी समझ गए होगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट टाइप की, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी है, ये डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी, ये डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी, ये डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी रूल और नॉन सिलेक्टिव रूल दोनों समझ रहे हैं बेटे, तो प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव दोनों की बात होते होते यहाँ पर हम चले आ रहे हैं सॉरी। तो ये ब्रोमिनेशन नॉन सिलेक्टिव होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव रूल दोनों दोनों को फॉलो करता है, और किस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं बेटे। चलो तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कि फॉर मेजर चेक ओनली रिएक्टिविटी ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नॉट परसेंटेज, मैं बोल चुका हूँ नो नीड टू कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज, सिर्फ आप एन इंटू आर निकाल लो, एन आई इंटू आर या एन जिस डिग्री का बात कर रहे हो आप एन इंटू आर निकालो सिंपल, और ये जिसका ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसका कम होगा वो माइनर होगा, राइट बेटे। ओके चलो और कुछ काम करें, और कुछ काम करें, और कुछ बातें बताते हैं हम आपको, क्वेश्चंस और करो बढ़िया तगड़े से पहले बेटे, तब और मजा आएगी है ना, क्वेश्चन और अच्छे से कर लें अगर आप तो आप और अच्छे से इंजॉय करेंगे बेटे। और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखिएगा बेटे है ना, चलिए अब इस पर आइए एकदम आराम से है ना फटाफट। अच्छा बेटा ये वाला अगर हम बात करें CH3CH2CH2, अच्छा ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है ना 7.0, तो ये 56% है 40 छोड़ इसको, ऑलरेडी डन ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं। Br2 की बात करेंगे तो अलग से करेंगे, बट ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा मेजर माइनर के लिए सिंपल वही है तरीका बताया था क्या कि जस्ट अगर आप देखें तो 1 डिग्री सेम टाइप के कितने बेटे 9 है, 9 और रिएक्टिविटी कितना होता है 1, सो 9 × 1 क्या 9 आ गया। अब यहाँ पर 3 डिग्री की बात हो रही तो 3 डिग्री का 5 होता है और एक हाइड्रोजन का 5 × 1 तो 5 आ गया, तो ये 5 है ये 9 है, सो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, ये लेस है और ये मोर है। कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे थे हम आपको, जैसे यहाँ पर भी हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कैसे कि मेजर और माइनर कैसे होगा। तो बेटा बताओ ये 1 डिग्री कितने 6 हैं, तो 6 × 1 6 हो गया। अब ये 2 डिग्री के 2 हैं, सो 2 × 3.8 7.6 हो गया, तो 7.6 है ये 6 है, तो ये आपका मेजर हो जाएगा देखो बेटा, ये आपका माइनर हो जाएगा। टोटल वगैरह हम निकालना आपको सिखा चुके हैं, मुझे लगता है एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा बेटे कि किस तरह से अब हम क्या करने वाले हैं। अब बहुत तगड़े से चीज़ों को समझ के हो गया है ना, ये कर लिया है ना, अब इसकी बात कर लें अगर हम, तो ये कुछ क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मतलब आप देख सकते हो बेटा कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो है। तो बेटा डिफरेंट टाइप का आपका देखना है, देखो ये आपका जो है 3 डिग्री है, लिखें एक बार प्रोबेबिलिटी चेक करनी, ये 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो तीनों तरह की डिग्री हमें दिख रही है, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी। अब सुनना क्या बेटा, ये 1 डिग्री एकदम डिफरेंट होगा, यस बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या ये 3 डिग्री एकदम डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री एक जैसे हैं, तो एक को कट कर दिया, एक को ले लिया। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री एक जैसे हैं, तो एक को कट कर दिया, ये ले लिया। अब ये 2 डिग्री सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल है और कोई इससे कंपैरिजन नहीं है, तो ये वाला भी हमने ले लिया इतने। तो कहाँ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 जगह। तो आप यहाँ पे Cl लगा दोगे अगर, तो ये बन जाएगा पहला, समझते जाना बेटे। यहाँ पे अगर HCl लगाया 3 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा आपका, देखते जाओ। यहाँ पे लगाया, देखते जाना बेटे, समझते, यहाँ पे लगाया तो देखो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे लगाया तो आपका ये बन जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, जब यहाँ पे लगाया तो कोई कार्बन सेंटर नहीं, एक ही बना। यहाँ पे जब आपने लगाया तो बेटा ये इधर के ग्रुप सेम हो जा रहे, कोई कार्बन सेंटर, एक ही प्रोडक्ट बना। यहाँ पे लगाया तो ये 2 कायरल सेंटर बन जा रहे हैं और अनसिमिटिकल बन जा रहे हैं, यानी 2 to the power n, यानी 4 स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर हम इंक्लूड करें तो टोटल 4 यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर भी देखें बेटा तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर, तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो नहीं है, बट ज्योमेट्रिकल कैसे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल है, जो तो एक सिस और एक ट्रांस बनाएगा, तो यहाँ पर 2 ये हो जाएंगे। तो टोटल काउंट करो तो 4 × 4 8 × 10 × 12, सो टोटल नंबर प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 12 होंगे बेटे। टोटल नंबर प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 12 होंगे। कितने मस्त क्वेश्चन बेटे देख रहे हो ना आप, कितने मस्त और गर्दा तरीके से हम लोग बात करते चले जा रहे हैं। ओके नाउ अब इसकी बात करें बेटा, तो अगर हम इन दोनों की, इन चारों की बात करें, तो इन चारों एक ही जैसे हैं, तो कोई एक लेंगे हम, तो कोई अगर हम एक लेंगे, तो अगर हमने ये वाला लिया, इस 1 डिग्री को हमने लिया, तो इसको नहीं लेने की जरूरत, इसको नहीं लेने की जरूरत, कहने का मतलब प्रोडक्ट बनाने सिखा रहे हैं। ये आपका कितना है 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, यानी इसको भी कट कर दो तो सिर्फ ये वाला हो, तो यहाँ पर 2 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो यहाँ पर बना दोगे ये बन जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के डाल दोगे ये बन जाएगा, यहाँ पे इधर। अब जरा देखो बेटा अगर यहाँ पर, तो ये आपका ये कायरल सेंटर बन जा रहा है, तो यहाँ पर 2 बन जाएंगे, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हो जा रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट आपके कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलो आगे देखें, हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन फॉर्म ओनली 1 मोलोक्रो प्रोडक्ट। ये 1 डिग्री 2 डिग्री अलग बनाएगा, ये 1 डिग्री है ना, ओनली 1 टाइप, ओनली हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन फॉर्म
ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, केवल वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन बना सकता है। तो यहाँ पर भी देखो ये वन डिग्री है, एक ही टाइप का बना सकता है, यहाँ पर एक टाइप का बन सकता है, और यहाँ पर आपका थ्री डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं एक्चुअली में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं, तो ये बेटा ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन फॉर्म ओनली वन टाइप, तो वन टाइप का बेटा यहाँ भी हर जगह टू डिग्री सेम जैसा है, तो ये भी एक ही टाइप का बनाएगा बेटे, और यहाँ पर भी वन डिग्री, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो ये भी सेम एक ही टाइप बनाएगा। तो आंसर इज ए एंड बी सी। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है। तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं, मतलब अब आप समझ गए बेटा कि किस तरह से हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी रूल का बात करते हैं, सिलेक्टिव रूल का बात करते हैं, मेजर कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटे, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। गड़गड़ गड़गड़। अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर किसकी, एम सी पी हो गया बेटा, मोनोक्लोर प्रोडक्ट हो गया। अब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम बी पी, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बात करें, अब थोड़ा इसको भी समझना, इसकी भी रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी या प्रोबेबिलिटी वगैरह से जो भी है वो सब चेक करेंगे हम। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका है, व्हाई नॉट वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी रूल इन ब्रोमिनेशन। हम ब्रोमिनेशन में प्रोबेबिलिटी रूल क्यों नहीं फॉलो करते हैं, केवल क्लोरिनेशन में क्यों फॉलो करते हैं, ये आपको इस रिएक्टिविटी के रेशियो से पता चल जा रहा है। वन डिग्री का रिएक्टिविटी 1 है, टू डिग्री का 80 है, थ्री डिग्री का 600 है, तो अब इनका रेशियो ये है कुछ। सो हायर डिग्री ऑफ एच इज मच मोर स्टेबल, सो नो प्रोबेबिलिटी, ओनली सिलेक्टिव, सो जस्ट मेक स्टेबल फ्री। अरे भैया अब बताओ बेटा, आपको अगर ये बनाना और ये बनाना तो कौन सा ज्यादा, बहुत ज्यादा बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो क्यों आप ये लोगे, क्यों आप ये लोगे, सो दैट विल बी दिस इज मोर सिलेक्टिव, नो मोर प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि जहां जहां पर आपको मिल जा रहा है डिफरेंट वहां पर मुंह मार दिए, ये हर जगह मुंह नहीं मार सकता। इसका रीजन तो आपको समझ में आ गया ना, व्हाई नॉट वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी रूल इन ब्रोमिनेशन, समझ में आ गया ना कि बेटा ब्रोमिनेशन में हम प्रोबेबिलिटी रूल क्यों यूज नहीं करते हैं। क्लियर, ओके। अब हाई डिग्री ही की ही बात क्यों करते हैं, वो उसको भी समझते हैं जरा, देखिए कैसे। इसके लिए हम इसके मैकेनिज्म, ब्रोमिनेशन के मैकेनिज्म को समझना होगा, जरा देखिएगा, आइए गौर फरमाइए इस पर बात करें। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज विथ विच फ्री रेडिकल इज मोस्ट एबल, यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वैसा वो मिलेगा जहाँ पर फ्री रेडिकल मोस्ट एबल होगा। यहाँ पर आपको जैसे मैंने क्लोरिनेशन में आपको क्या कहा था, Ni into Ri निकाल लो और वहाँ से मेजर माइनस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का रेशियो आपको बता चुका हूँ, 80 या 82 और 80, जनरली हम 80 यूज करते हैं, ओके। नाउ सो दिस इज सिलेक्टिव, सिलेक्टिव क्यों आप समझ गए होंगे कि भैया 1 और 600 में किसको सेलेक्ट करें, 600 ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, दिस इज सिलेक्टिव। हियर ऑल डिग्री एच विल नॉट रिप्लेस, यहाँ पर हम हर एक डिग्री की बात नहीं करेंगे, हर एक डिग्री की बात करेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। ओनली हायर डिग्री ऑफ कार्बन हैविंग हाइड्रोजन विल रिप्लेस, जिस पे हायर डिग्री का कार्बन होगा उस पे जो हाइड्रोजन होगा दैट विल रिप्लेस, सो सिलेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इसका जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो एंडो होता है। अब समझाऊँ कैसे, अब जैसे इसकी बात करें बेटा, इसका ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ये लोअर डिग्री, ये लोअर डिग्री नहीं, ये हायर डिग्री, टू डिग्री, तो एच हटेगा, यहाँ बी आर लगेगा, देखिए आ गया। एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी रेशियो, वन डिग्री को नहीं होता, क्योंकि अगर ये वन बनेगा तो 82 बनेगा, 82 टाइम्स 80 टाइम्स बनेगा, तो भैया वन मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम हायर डिग्री की बात करेंगे। बट अगर हम क्लोरिनेशन बात करते तो 1:3.8 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 1:5 या 4.5, तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रूल भी फॉलो हो रहा था, सिलेक्टिव भी हो रहा था, बट यहाँ पर केवल सिलेक्टिव की ही बात करेंगे, केवल सिलेक्टिव की ही बात हम करेंगे बेटे, ओके। चलिए इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लें अगर हम, तो बिल्कुल अच्छे से आप जान रहे हो, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा तगड़े से बेटे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा, सनलाइट दिया, हीट किया, तो बेटा यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा, चूंकि हीट दे रहा तो एंडो होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब यहाँ पर जरा देखिए गौर फरमाइए, जैसे ये बी आर बना बेटा, तो आर एच अल्केन है, और ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से टेंशन शीट कुछ इस तरह का आएगा ना, बी आर और यहाँ पर आपका एच आर है, समझ रहे बेटे, और क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा और यहाँ से ये टूटेगा, दिस विल बी योर ट्रेस, तो यहाँ से बी आर एच बन जाएगा, एच बी आर बन जाएगा और आर फ्री रेडिकल हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि प्रोसेस एंडो कैसे हुआ, बहुत आप तुरंत समझ गए बॉन्ड एनर्जी डेटा से, बॉन्ड एनर्जी डेटा की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर बेटा आर एच का मतलब सी एच, सी एच बॉन्ड, और यहाँ पर आपका एच बी आर बॉन्ड है, एच बी आर बॉन्ड, जो बॉन्ड एनर्जी सी एच का है एच बी आर से बेटे ज़्यादा होता है, सो दिस मोस्ट स्टेबल बॉन्ड एंड इज लेस स्टेबल बॉन्ड, तो बेटा ये मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है यहाँ पर सी एच, और ये आपका लेस स्टेबल बॉन्ड है, तो भैया मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, ऑब्वियस ये बात बेटा कि आपको अपने आप तो नहीं जाने वाले, इसको हीट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हमेशा एंडो होता है, और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हमेशा एक्जो होता है, हम बात कर चुके हैं पहले, और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो मोर स्टेबल, मोर बॉन्ड एनर्जी, भैया ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा तब आप इधर जा पाओगे, तो ज़्यादा एनर्जी लेगा, दिस विल बी एंडोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, ओके।
अब बात आती है कि भैया अगर ये एंडो है, आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, तो हायर डिग्री का फिर इसमें ये सिलेक्टिव क्यों है? प्रोबेबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा था वो, तो ठीक है सिलेक्टिव क्यों है? तो बेटा एक चीज बताओ, ये तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, बात को समझना, ये तो मोर स्टेबल से क्या हो जा रहा है, लेस स्टेबल हो जा रहा है, ये तो बात आपको समझ में आ जाती है पूरा कॉन्सेप्ट बाउंड एनर्जी के डेटा से। अब अगर हम इस रिएक्शन को इधर ले जाएं, रिएक्शन को फिजिबल बनाना होगा, तो बेटा हम कुछ ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की बात करेंगे तभी तो इधर जा सकते हैं, तो जाएगा कैसे? तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, लाइक यहाँ पर 1 डिग्री का बन रहा है, 2 डिग्री का बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है, अब हमें इस रिएक्शन को भी कराना है बेटे, समझना, बहुत बहुत पते की बात बता रहा हूँ, समझना। यहां से तो हम फेल हो गए फिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो। तो अगर हम इस रिएक्शन को अच्छा सा फिजिबल बनाना है बेटे, सो फॉर रिएक्शन, दिस रिएक्शन टू बी फिजिबल, ये जो फ्री रेडिकल बना, आप इनमें से अगर हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाए, कैसे सिलेक्टिव हो जाए कि मान लो अगर आप 1 डिग्री ले रहे हो तो बेटा लेस स्टेबल होगा, मान लो 1 डिग्री 3 डिग्री में ऑप्शन, तो ये 3 डिग्री मान लो आपने ले लिया इसको, तो अगर आपने इसको 3 डिग्री ले लिया तो बेटा ये काफी ज्यादा स्टेबल है, यानी आप थोड़ा तो प्रोडक्ट साइड में स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, और अगर इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब देन देर इज चांसेस ऑफ रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा जाएगा, और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब रिएक्शन फिजिबल होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कि यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसकी वजह से तो हमारी रिएक्शन लगभग लगभग नॉन फिजिबल नजर आ रहा था, बट अगर हम इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की जो दूसरा कंपाउंड इसकी बात कर लें, तो अगर हम इसमें हायर डिग्री का फ्री रेडिकल अगर हम लें बनाएं यहाँ पर, तो बेटा ये रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल हो सकता है, ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, दैट्स वाई दिस इज मोस्ट सिलेक्टिव, राइट बेटे। सो अब यहां पर क्या है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, सो बी आर रेडिकल ब्रेक दैट सी एच बॉन्ड। अब कौन सा सी एच बॉन्ड बेट करेगा, विच मेक प्रोडक्ट मोर स्टेबल, दैट्स व्हाट इट इज। तो भैया यहां पर वो फ्री रेडिकल बनाया जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बेटा चूंकि इधर तो ज्यादा स्टेबल था, अगर इधर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसके चांसेस इधर ज्यादा होंगे जाने के, इसलिए यहां पर हम हायर डिग्री की बात, प्रोडक्ट की बात करते हैं, हायर डिग्री मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो दैट की रिएक्शन फिजिबल हो जाए, आगे बढ़ जाए, दैट्स व्हाट मैंने यहां पर लिखा, देयरफॉर इट शुड बी मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फॉर ब्रोमिनेशन टू बी फिजिबल। ब्रोमिनेशन को फिजिबल होने के लिए इसको ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, अगर आप इसको 1 डिग्री ले लोगे तो रिएक्शन जाएगी कैसे आगे, भाई आपको ज्यादा स्टेबल की तरफ जाना है, दैट्स व्हाई दिस ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव। बताओ क्या मैं आपको रीजन समझा पाया, लॉजिक समझा पाया क्या, कि ब्रोमिनेशन एक्चुअली में सिलेक्टिव क्यों है, क्या रीजन इसके पीछे? बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं बेटे आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, और बहुत गंदा और जबरदस्त चीजें हैं, ओके बेटे। तो आई होप आप बेटा क्लियरली समझ गए होगे। उसके बाद फिर जैसे ये आर बन जाएगा बेटे, फिर तो आप थर्ड स्टेप आप आगे बढ़ जाओगे कि जो आर बना है ना, ये फिर आपके पास कहाँ से, आप इसके पास जो है ये बी आर के साथ रिएक्ट करके आप फाइनली ये आर बी आर बना देगा, है ना, समझ रहे हो? तो जैसे आर बनेगा अगेन ये बी आर टू के पास जाएगा, है ना, इसको तोड़ेगा और यहाँ पे आर बी आर बना देगा, और ये बी आर रेडिकल बनेगा, और बी आर रेडिकल फिर से यहाँ से रिसाइकिल होकर आगे बढ़, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया जिस तरह से घूमता रहेगा। तो बेटा यहाँ पर ये आपका मोर डिग्री का जो होगा, मोस्ट स्टेबल जो फ्री रेडिकल होगा, वही मोर डिग्री का बनाएगा, दैट विल बी सिलेक्टिव एंड दैट विल बी मोर स्टेबल एंड दैट विल बी माय मेजर प्रोडक्ट। तो आई थिंक पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म आप समझ गए होगे, पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म आप समझ गए होगे बेटे, राइट। अब बात करें बेटा क्वेश्चन ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीपी, अरे बहुत सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाई डिग्री देखो तो बी आर टी एच न्यू क्या, ये हाई डिग्री, सीधे यहाँ पर बी आर लगाओ, एच हटाओ, अब ये 3 डिग्री हाई डिग्री है, सीधे यहाँ से एच हटाओ, बी आर लगाओ, ये लीजिए आपके सामने। सो बी आर अटैक वेयर मोर डिग्री कार्बन, है ना, जहाँ पर मोर डिग्री कार्बन वहाँ अटैक करेगा, सिलेक्टिव होगा, वेयर मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कुछ ये कहानी यहाँ पर आएगी। अब बात करते हैं इसके परसेंटेज की, भैया निकालो परसेंटेज, चलो निकाल लेते हैं परसेंटेज भाई। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरिनेशन के बेटा, तो ये वाला तो हम कर चुके थे, ये ए ए 1 डिग्री के थे और ये भी 1 डिग्री का था, बट ये ए नहीं था, ये डी अलग बनेगा, और ये 3 डिग्री का बी और ये आपका 2 डिग्री का सी, ये तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम इसकी बात कर लें, ब्रोमिनेशन की बात कर लें कि कितना परसेंट बनेगा, तो बेटा निकाल सकते हो आप कितना परसेंट बनेगा, कैसे, 3 डिग्री है, देखो 3 डिग्री है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज इसका निकाल के दिखा देता हूँ, परसेंटेज ब्रोम मेटा ब्रोमो प्रोडक्ट कितना होगा जरा देखो, चूंकि हायर डिग्री की ही बात करेंगे तो 3 डिग्री है बेटे, 3 डिग्री कितने हाइड्रोजन, 1 है, और इसका 3 डिग्री कितना था, 1600 होता है। आप चाहो तो आप 1 डिग्री का भी निकाल के देख लो, आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में डिफरेंस मिलेगा बेटा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज। मैं चलो अच्छा निकाल देता हूँ, ये हम 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, चलिए देखिए इसकी बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब 1 डिग्री के लिए कितना होता है बेटा, 1 डिग्री के लिए तो 1 होता है, इंटू कितने हाइड्रोजन है सेम टाइप के, 9 है, प्लस 3 डिग्री का आपको 1 × 1600 है, 2 डिग्री का है नहीं, ये आपका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज अगर हम एमबीपी निकालें 1 डिग्री का, फॉर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना, 9 × 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 × 9,
शायद आप ये फॉर्मूला एकदम तुरंत समझ पा रहे हो, सीधे और रिएक्टिविटी का फॉर्मूला है ना, था ना बेटा 1:80:1600 ये वाला। सो 1 × 9 तो रहेगा रहेगा, प्लस 1 × 1600, देखो यहाँ पर 1 × 1600 बेटे इंटू 100। अब बेटा बताओ ये 1609, चलो दिखा देता हूँ ये कितना आ जाएगा आपका, 1600 डिवाइडेड बाय 1600 और ये 9 है ना, तो 1609 है ना इंटू 100, ये आपका जाएगा 9/1600, 9 × 100। अब आप मुझे बताओ बेटे ये कितना टाइम्स, बहुत ज़्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो ये आपका मेजर होगा, और ये देखो बहुत ही कम बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी। तो इसलिए हम हायर की ही बात करते हैं, इसलिए लोअर की बात यहाँ पर, लोअर डिग्री की बात नहीं करते हैं बेटे ये क्लोरीनेशन के लिए। तो क्लोरीनेशन का ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ बेटे, क्लोरीनेशन का ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका हूँ बेटे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब आप MBP भी निकाल लोगे बेटे, MCP भी निकाल लोगे, उनका रिएक्टिविटी का परसेंटेज कैसे होगा, क्या होगा, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, क्यों आपका जो क्लोरीनेशन है वो प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिव रूल दोनों फॉलो करता है, क्यों प्रोबेनेशन प्रोबेबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है, क्यों प्रोबेनेशन केवल सिलेक्टिव रूल को ही फॉलो करता है ना, कैसे मेजर होगा, कब मेजर होगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेशन मेजर प्रोडक्ट कैसे हम निकालेंगे, उसका कैसे क्या तरीका होगा, या माइनर का क्या तरीका होगा, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, क्या बेटा ये अगर 1 डिग्री के हाइड्रोजन है या सेम टाइप के 1 डिग्री के कई जगह प्रेजेंट है बेटे, तो हम सेम टाइप का अलग परसेंटेज निकालेंगे, 1 डिग्री की ही अगर हम बात करें और सेम टाइप का हम 1 डिग्री का अलग अलग टाइप का अगर है तो हम अलग निकालेंगे, ऐसे 2 डिग्री में भी हो सकता है, ऐसे 3 डिग्री में भी हो सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की। अब बात मैंने कहा था कि बेटा ये 1 डिग्री का कैसे कैसे क्या क्या आता है, इसका रिएक्टिविटी का वैल्यू कैसे आता है, उसमें काइनेटिक्स का यूज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का यूज होता है, बहुत सारी, तो बेटा उसका कंटेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक बार आप देखें है ना, थोड़ा सा गौर फरमाएं। डिटेल कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्टिव एंड रिएक्टिविटी फॉर MCP एंड MBP प्रोडक्ट। तो इसका कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड करना, ठीक है। एक्चुअली मैं जितना मैंने आपको पढ़ाया वो एडवांस से एडवांस लेवल के लिए ही के लिए भी मोर देन सफिशियंट है, बट फिर भी आपका आपके मन में ये आता है कि सर ये कैसे 1:3.8:5 हो जा रहा है, कैसे सर ये 1:80:1600 हो जा रहा है, सर ये कैसे कैलकुलेशन आया, कहाँ से आया, क्या डेटा है, क्या नहीं है। तो जैसे होता नहीं कुछ अंदर से ये होता है कि हमें जानना है इस चीज़ को, तो अगर आप इसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो यू कैन ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको झलक दिखलाता हूँ, आप यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है बेटे बहुत अच्छे तरीके से, बस एक बार आप इसको समझने की कोशिश करें, एक बार रीड कर लोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्रॉपर तरीके से बेटे। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा बहुत बढ़िया से तरीके से, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, देखो 3.6 मतलब जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं बेटे, कितना बॉन्ड एनर्जी कहाँ पर क्या क्या लगता है, उसके बेसिस पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें कैसे आएंगी, बॉन्ड एनर्जी के ये सब दिया हुआ है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप एक बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जानना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज ए साइंस स्टूडेंट कि भाई आपको ये जानना जरूरी है, आपको आपकी इच्छा है जानने की, तो बेटा आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। व्हाई ब्रोमीन मोस्ट सिलेक्टिव सेकंड, वो सारी चीज़ें देखो आप यहाँ पर आपके सामने हैं बहुत। अब देखो अरिहेंस इक्वेशन का यूज़ किया गया है बेटे यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला जो कर्व नहीं होता है वो सारा चीज़ आपका दिखाया गया है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर ये टेम्परेचर के साथ इफेक्ट दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर एनर्जी का डेटा ये सब दिया हुआ है आपको, सारा चीज़ बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखो इसके बेसिस पे देखो, हमने कहा था ना कैलकुलेट कैलकुलेटिंग सिलेक्टिविटी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर जस्ट सेकेंडरी और प्राइमरी में अगर आप बात करो तो देखो बेटा 5.35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इस तरह से मतलब 5 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर डेटा वेटा फुट करके सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाई गई हैं यहाँ पर, यू कैन यूज़ दिस वन। ये कुछ इस तरह से देखो बेटा बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ये सब इस तरह से कैसे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट फॉर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है ना, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अर्ली आ रहा है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट लेट आ रहा है, सारी कुछ चीज़ें आपके सामने हैं बेटे प्रॉपर। मतलब ये दैट इज दैट डिपेंड्स कि आप इसको पढ़ना ही दैट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लेवल, आपके इंटरेस्ट लेवल पर बेस्ड है बेटा कि आपको इसको क्या करना है पढ़ना है। वो चूँकि आप को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा ना बेटा कि आप हर चीज़ अगर एज साइंस स्टूडेंट अगर आप जानना चाहो तो आपके लिए मैं हर चीज़ की अवेलेबिलिटी करा रहा हूँ, सो दैट कि आपको मजा आए, आपको ये ना लगे कि अच्छा सर ये ऐसे क्यों होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ये आप ये कंटेंट देख सकते हो बेटा तगड़े से और बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझ सकते हो। सारी चीज़ें बहुत डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, बहुत कुछ देखिए समरी वगैरह भी बता रखा है, फिर नोट में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें आपके सामने है बेटे।
ये आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, और उस पर बेस्ड और इन्हीं सब पर बेस्ड भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने रखे हैं। यू कैन ट्राई योर सेल्फ बेटे, आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए बेटे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो बताइए, गर्दा चीज़ें, खतरनाक चीज़ें बेटा, मतलब मैं आपको है ना, देखो एन ब्यूटेन है, इसका डाइक्लोरिनेशन कराया, एम फ्रैक्शन आया, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिनेशन कराया, एन फ्रैक्शन आया है ना, तो यहाँ से एम आया, यहाँ पर एन आया, तो एम माइनस एन निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको आइसोमेरिज्म का यूज़ करके, बहुत सारी चीज़ें क्लोरिनेशन, ये सब चीज़ें यूज़ करके, सारे क्वेश्चंस बेटा आपके सामने हैं, आप तुरंत फटाफट कर लोगे। सारे सोल्यूशंस भी मैं आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, यू ट्राई, क्योंकि मैं समझाऊंगा बात वही चीज़ें, और सारे चुक चुकी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो आप एक बार जस्ट इनको ट्राई करो, सब सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ज़बरदस्त कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार, कि आप इनसे गो थ्रू हो जाओ, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, आप कहीं पर भी फंसो नहीं। और अगर आपसे कभी ज़िंदगी में ये पूछ भी दे कि भैया जो रिएक्टिविटी का रेशियो है फॉर क्लोरिनेशन 1:3.8:5 या 4.5 क्यों है, या ब्रोमेशन के लिए 1:80 या फिर 82:1600 क्यों है, उसका कैलकुलेशन कैसे आता है, तो उसके लिए भी मैंने वो सारी चीज़ें आपकी व्यवस्था की कि भाई आप देखो इन सब चीज़ों को, और इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं बेटे, है ना, क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशंस मैंने सारे कुछ दे रखे हैं आपको। तो खूब इंजॉय करो और बढ़िया तरीके से बेटे आप इनको करो। तो आयो बेटा कि आपको MCP और MBP पे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी को बताना हो तो आप चुटकी में ऐसे करके विद फुल कॉन्फिडेंस आप बता सकते हो। आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को बेटा, बहुत मजा ही होगी आपको। सो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे, ओके। एंड आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े बेटा, है ना, और खूब अच्छे मार्क्स लाएं बेटा, खूब अच्छे से प्रिपेयर करें। और देखो मैं लगातार बेटा आपके साथ लगा हुआ हूँ, और आप खुद फील करोगे बेटा कि जो मैं आपको ये कमेंट जो कंटेंट दे रहा हूँ वो किस लेवल का है, क्या गर्दा चीज़ दे रहा हूँ, क्या खतरनाक चीज़ें, मतलब हर चीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश मैं बेटे आपको कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।